नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन में। ड्यू एडमिशन 2019 से रिलेटेड अपडेट्स में कट ऑफ कर दी गई है जारी, कहां कितनी गई है कट ऑफ जानने के लिए चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं ड्यू एडमिशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आती हूं। तो अगर आप किसी भी न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं ये दैनिक जागरण प्रयागराज की न्यूज है, 28 जून 2019 आज की न्यूज है। डीयू का कट ऑफ जारी, आज से दाखिला। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों के लिए भी कट ऑफ जारी हुआ है। स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों में 62,000 सीटों पर दाखिले के लिए 2,58,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शुक्रवार से दाखिले शुरू हो जाएंगे। रामजस कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में छात्रों को 1% की छूट। नॉर्थ कैंपस के रामजस कॉलेज में सामान्य श्रेणी के लिए पहला कट ऑफ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 98% रहा है। EWS श्रेणी के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पहला कट ऑफ 97.5% तक निर्धारित किया गया। हिंदी ऑनर्स और संस्कृत ऑनर्स में छात्राओं को 1-1% की छूट दी गई। हिंदी ऑनर्स में सामान्य श्रेणी में कट ऑफ 90%, EWS श्रेणी में 89.50% कट ऑफ निर्धारित हुआ है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सामान्य श्रेणी के लिए 97, EWS के लिए 96.5% कट ऑफ निर्धारित हुआ है। BCom ऑनर्स में सामान्य श्रेणी के लिए 98%, EWS के लिए 97.5% कट ऑफ निर्धारित हुआ है। हिस्ट्री ऑनर्स में सामान्य श्रेणी के लिए 97.25%, EWS के लिए 96.75%, इंग्लिश ऑनर्स में सामान्य श्रेणी के लिए 97 और EWS के लिए 96.5% कट ऑफ निर्धारित किया गया है। GSS एंड मेरी कॉलेज में साइकोलॉजी के 99% अंक जरूरी। GSS एंड मेरी कॉलेज GMC का कट ऑफ साइकोलॉजी में 99% से शुरू हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.95% ज़्यादा है। BCom ऑनर्स के लिए कट ऑफ 96% है, पिछले वर्ष ये 97% से शुरू हुआ था। BCom के लिए 95 और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 96.25 कट ऑफ निकाला गया है। इस कॉलेज में बिना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले छात्रों के लिए 98.25% कट ऑफ जारी हुआ है। इंग्लिश ऑनर्स में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 97 और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 95% कट ऑफ निकाला गया है। BSc मैथ्स ऑनर्स में भी पिछले साल के मुकाबले 1% की कटनी के साथ 95% के साथ पहला कट ऑफ जारी हुआ है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 96.5% कट ऑफ रखा गया है। दाखिले के समय ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज 10वीं का मूल अंक पत्र, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मूल अंक पत्र, 12वीं की मूल प्रमाण पत्र, SC ST OBC दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र, इन बातों का भी रखे ध्यान। OBC नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र 31 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो प्राप्ति रसीद दिखाकर दाखिला ले सकते हैं। AWS प्रमाण पत्र साथ में है तो उसके मूल दस्तावेज और उसकी कॉपी, ये प्रमाण पत्र नहीं है तो प्राप्ति रसीद के जरिए दाखिला ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मेरे वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।